कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? आशीष, विंसेंट, तुम शाप मुक्त हो गई हो। देवाधिदेव तुम्हें स्वयं लेने आए हैं। मुड़कर अपनी प्रेमी की तरफ देखो, वो टूट चुका है तुम्हें खो जाने के डर से। तुम अगर उसे ठुकरा कर चली जाओगी वो मर जाएगा, उसकी हालत तुमसे देखी नहीं जाती। देखो, शिट, स्टेज लाइट्स। आंखें भरी हुई चाहिए, आंसू चाहिए आंसू, समझते नहीं? कितनी बार समझाया कि तुम पुरवा नहीं हो, तुम एक शापित देवता हो जो एक बदसूरत स्त्री के रूप में पृथ्वी पर मुक्ति के लिए भटक रही है। उसे तब मुक्ति मिलेगी जब कोई इंसान उसे प्यार करेगा, अपने प्यार का इजहार करेगा। इस कवि ने वो इजहार किया है, उसने इजहार किया है, उसने कहा कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? और तुम्हें मुक्ति मिली, वापस तुम्हारा रूप मिला, इस मृत्यु लोक से तुम्हें स्वर्ग लोक में वापस जाना है, भगवान स्वयं आया है तुम्हें लेने। लेकिन तुम जाना नहीं चाहती क्योंकि इस इंसान से तुम प्यार करने लगी हो, वो इंसान जो तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं करता, तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती से प्यार करता है, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता है, जिस्म से नहीं। घर में वक्त कटता नहीं चले आते हैं नाटक करने। मैं प्रेम के जुनून को उत्कट, अशक्य प्राय, सम्मोहित करने वाली उस हद तक लेके जाना चाहता हूं जिसमें इस नाटक का अंत होता है। इस नाटक के अंत में सारे प्रेक्षक सीट में ऐसे जकड़ जाने चाहिए, ऐसा अंत जो कभी किसी ने देखा ना हो। जिस तरह से कर रही हो लोग जूते मारेंगे वहां से। एक्ट्रेस हो, रो नहीं सकती? नहीं होगा मुझसे। कैसे नहीं रो सकती? मुझे नहीं आता रोना। मैं क्या क्या है उसमें, क्या नहीं है आता उसमें? मैं नहीं रो सकती। क्यों, क्या मुश्किल है? हंसना आता है, रोना क्या होता है? हाँ देखो, कोई डायलॉग नहीं चाहिए, एक से दस तक गिनती भी करोगी ना लेकिन दिल से, आंखें भर जाएंगी, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस, देखो भर गई आंखें, और देखो तुम्हारी भी आंखें भर गई। ये क्यों भरी? डर के मारे। तुम कर सकती हो, शाबाश, कम ऑन, वन टू थ्री, टर्न टर्न। We'll be right back.
प्रेम दीवानी हूँ पर मैं अनजानी हूँ, उलझी है जो डोरी वो मैं कैसे सुलझाऊँ, अपनी नाव चले चंदन चांदनी के गांव चले, इंद्रधनुष की बहती धारा उसके पार तीसरा किनारा, इस सफर में और कोई नहीं, ये सफर है बस मेरा तुम्हारा, अब किस दस्तक का है इंतजार, जब तुम्हें पुकारता हो प्यार और सामने हो सपनों का संसार, चल चल लेकर सपनों की नाव चले चंदन चांदनी के गांव से। आज हमारे बीच महान गीतकार और फिल्म निर्देशक श्री गुलजार जी मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड प्रदान करें। एंड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू मिस अपूर्वा चौधरी। क्षमा कीजिए सर, मैं पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? इसका सही हकदार कोई और है। इसका सही हकदार वो है जो एक मामूली सी लड़की में शापित देवता देख लेता है, जो इस रंगमंच की छोटी सी चौखट में रोशनी और अंधेरे की साजिश से सभी इतिहास पुरुषों को उतार लेता है,